पेशेंट है, उसके कंधे टूट गए, ब्रोकन आर्म हो गया है वो, तो उस पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब उसे कोई मतलब रिलीफ पेन बाम या कुछ ऐसा लगाया जाएगा तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसका मतलब उसमें उसे खुशी मिल रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। खुशी और सेटिस्फेक्शन में ये फर्क होता है कि हमें जिस चीज की जिस समय बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है, जैसे एक प्यासे आदमी को पानी की बहुत जरूरत है, तो उस समय उस आदमी के लिए पानी की यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी उस दूसरे पर्सन के बजाय जिसको प्यास नहीं लगी है। अ ग्लास ऑफ वाटर की इम्पॉर्टेंस उस व्यक्ति के लिए ज्यादा है जो थ्रस्टी है, जो प्यासा है। इसका मतलब है यूटिलिटी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर होती है, और सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है जबकि सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता है। लेकिन सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम किसी सामान की यूटिलिटी को नहीं बता सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बच्चों, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूटिलिटी के टाइप जो होते हैं वो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये होते हैं। लेकिन जो यूटिलिटी अप्रोच होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो यहाँ पर हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पहले पढ़ेंगे, जिसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी इसे हम कहते हैं। इसके अंदर हम TU, MU और उनके रिलेशन को, TU, MU के रिलेशन को पढ़ेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इट स्टेट्स दैट द सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर डिराइव्स बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड विद अ नंबर। जब हम सेटिस्फेक्शन को एक नंबर से डिसाइड करते हैं या मेजर करते हैं तो उसे हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। सी फॉर कैलकुलेटिव और सी फॉर कार्डिनल होता है। इसका मतलब जिसको गणना की जा सके, जिसका मेजर किया जा सके, उसे हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, द यूटिल्स ऑन अ स्केल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। यूटिल्स क्या है? एक स्केल है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर एबल टू डिराइव अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर विल बी असाइंड हायर यूटिल्स एंड गुड्स दैट रिजल्ट इन अ लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल बी असाइंड लोअर यूटिल्स। मतलब जिस गुड की के यूज से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम हायर यूटिल्स दे देते हैं या एंटी दे दिया, और जिस गुड के यूज करने से सेटिस्फेक्शन कम मिलता है हम लोअर यूटिल्स दे देते हैं। यूटिल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना या फिर उसे मतलब जो हम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम किस चीज करेंगे तो उसे हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। यूटिल्स एक स्केल है, ठीक है बच्चों, स्केल कहेंगे उसे हम। कार्डिनल यूटिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेथड दैट इज यूज्ड टू मेजर कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन। कार्डिनल यूटिलिटी मैंने पहले भी बताया कि क्वांटिटेटिव होता है, यानी इसको गणना की जा सकती है, इसका स्केल है यूटिल्स। जैसे एक रोटी खाने से हमें 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी 10 सेटिस्फेक्शन है। दूसरी रोटी खाने से 8 मिलेगा, तीसरी खाने से 6 मिलेगा, चौथी खाने से 4 मिलेगा और पांचवी खाएंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ने से पहले, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ने से पहले हम कार्डिनल यूटिलिटी में, मैंने आपको बताया कि इसमें दो अप्रोचेज हमें पढ़ने हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम अभी बाद में देखेंगे।
ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस आता है, जिसे हम J.R. हिक्स एनालिसिस के नाम से जानते हैं। कार्डिनल अप्रोच को हम कौन सा अप्रोच कहते थे? कार्डिनल अप्रोच को मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं, और जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसे हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से जानते हैं। इट स्टेट्स दैट द सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। ऑर्डिनल अप्रोच वाले ये मानते हैं कि सेटिस्फेक्शन को हम या यूटिलिटी को हम किसी नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं। रादर ऑर्डिनल यूटिलिटी यूजेज अ रैंकिंग सिस्टम इन विच अ रैंक इज प्रोवाइडेड टू द सेटिस्फेक्शन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन। इसका मतलब है कि इसमें रैंक दी जाती है कि एक रोटी खाने से हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कम अच्छा लग रहा है, तो उसको हम एक रैंक दे देंगे। दो रोटी खाने से, तीन रोटी खाने से, ऐसे नंबर्स में नहीं बांटते बल्कि इसमें प्रेफरेंस दे देते हैं कि किस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें कौन सी रैंक दी जा रही है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑफर अ कस्टमर अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल बी असाइंड हायर रैंक एंड द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑफर अ लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल बी असाइंड लोअर रैंक। जिसको यूज़ करने से कम अच्छा लगेगा उसे हम लोअर रैंक दे देंगे, और जिसको यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा लगेगा उसे हम हायर रैंक दे देते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी इज अ क्वालिटेटिव मेथड दैट इज यूज्ड टू मेजर कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन। अब बच्चों, ये दोनों अप्रोच में दो इम्पॉर्टेंट बात थी। सबसे पहले तो कार्डिनल अप्रोच का अनदर नेम क्या है, तो मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। दूसरा जो ये कार्डिनल अप्रोच था, ये कैसा अप्रोच होता है? क्वांटिटेटिव मेथड को यूज़ किया जाता है इसमें कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए। और जो हमारा नेक्स्ट है ऑर्डिनल अप्रोच, इसमें इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर J.R. हिक्स एनालिसिस कहा जाता है इसे। J.R. हिक्स जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को बनाया था, इसलिए इसे हम J.R. हिक्स एनालिसिस अप्रोच या एनालिसिस कहते हैं, और ये क्वालिटेटिव मेथड इसके अंदर यूज़ किया जाता है। यूटिलिटी एनालिसिस के टू अप्रोचेज हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो इससे पहले हमने आपको ये क्लियर कर दिया कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, और फिर नेक्स्ट हमने कार्डिनल अप्रोच दोनों पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर ऑब्टेन्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। अल्टरनेटिवली टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इट इज मेजर्ड इन यूटिल्स। जो हमारी टोटल यूटिलिटी अप्रोच होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि एक समय में हम कोई एक गुड की अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसके टोटल करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जो हमें गिवन पर्टिकुलर गुड का, अलग अलग गुड नहीं होगी इसमें, दो इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों इसमें, एक तो पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर गुड का, हम जैसे जैसे यूज़ करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी को या उन सब के सम टोटल को हम क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी कहेंगे। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई कंज्यूमर के बनाना का यूज़ करता है तो एक बनाना से उसे 30 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उसी समय जब वो सेकंड बनाना का यूज़ करता है तो 22 यूटिल उसे मिलता है।
तो इस तरीके से अगर हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 30 प्लस 22 तो हमारी कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। या फिर इस गिवन एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट एक्स एक पर्टिकुलर गुड है, उसकी पहली यूनिट जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 40। जब सेकेंड यूनिट यूज कर रहे हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 30। अब आपको मालूम है सिग्मा एम यू इक्वल्स टू टी यू कहलाता है, तो 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले में 0 है उससे ऊपर कुछ है नहीं, तो 40 MU मार्जिनल यूटिलिटी भी 40 रहेगी और टोटल यूटिलिटी भी हमारी 40 हो जाएगी। फिर जब हम सेकेंड यूनिट ऑफ एक्स यूज करेंगे तो MU हमारी 30 होगी, तो 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारा, 70 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा एम यू, सिग्मा का मतलब टोटल होता है, एम यू का टोटल टी यू कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड यूनिट यूज करेंगे तो 70 प्लस 20 19, फिर 90 प्लस 10 100, और 100 में 0 प्लस करेंगे तो 100 ही रहेगा, और उसके बाद भी अगर हम यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 है तो उधर कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो इस तरीके से टी यू क्या होगा हमारा, सिग्मा एम यू होगा। अब हम टी यू को अगर बहुत अच्छे से समझे तो हम ये कह सकते हैं टी यू इक्वल्स टू एम यू 1 प्लस MU 2 प्लस MU 3 प्लस MUn। और ये सब किसके बराबर है, 1 MU के बराबर है। इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो हमारी कांस्टेंट है और वो इन सब के बराबर है। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। फर्स्ट हमने पढ़ा टी यू, अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो एडिशनल यूटिलिटी होती है जो कंजम्पशन हम करते हैं ना वन मोर यूनिट का, उससे मिलती है जो सेटिस्फेक्शन, उसे हम एम यू कहते हैं। जैसे टी यू फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स है हमारा 1 और टी यू हमारी है 11, तो अब एम यू अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, चेंज टी यू अपॉन चेंज क्यू, ये हमारा कैसे निकलेगा, 20 सेक ऊपर कुछ नहीं है वो 0 माना जाएगा, तो जब आप 0 मानेंगे उसको टी यू को, तो चेंज टी यू हमारे कितनी होगी, 11 होगी, और 11 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 ही आएगा, तो वो 11 हो गया अगर इस फॉर्मूले में हम इसको लगाएं तो। फिर सेकंड वाले में अगर हम देखेंगे तो 21 में से 11 को हम माइनस करेंगे, चेंज टी यू हमारा क्या होगा, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे, 21 माइनस 11 तो हमारा हो गया 10, और यहाँ पर 1 हो गया, तो 10 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ईच सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है एम, एक तो ये हो गया एम यू इक्वल्स टू चेंज टी यू अपॉन चेंज क्यू, और एक दूसरा होता है एम यू इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। इसे हम कैसे करेंगे, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, जैसे 21 जो है उसमें से जब 11 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ऐसे ही 30 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसे ही 38 में से 30 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 45 में से 38 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप चाहे एम यू इक्वल्स टू चेंज टी यू अपॉन चेंज क्यू लगाएं, या फिर एम यू इक्वल्स टू टी यू एन माइनस 1 लगाएं।